क्या आप भी इस तरीके का फ्लोर पफ बनाकर अपने घर को सजाना चाहते हैं, फटे पुराने कपड़ों को ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं और किसी को पता भी नहीं चलेगा? तो हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। इसके लिए देखिए, मैंने लिया है पुरानी यहाँ पे नाइटी। यहाँ पे आप कोई भी कपड़ा ले सकते हैं जो कि हौजरी का हो। और देखिए इस तरीके से ये फ्लेक्सिबल है। अब यहाँ पर देखिए इसकी लंबाई नीचे से हम 26 इंच ले लेंगे और उसके बाद हमें क्या करना है, इस तरीके से देखिए इसे कट कर लेना है। और कट करने के बाद हमें देखिए नीचे की साइड में इस तरीके से पकड़ना है और इस तरीके से हम मोड़ते हुए जो भी खुला पार्ट है इसे हम इस तरीके से सेट कर लेंगे, पकड़ लेंगे। और एक मोटी रस्सी लेंगे यहाँ पे और उसे हम बिल्कुल ज़ोर से बांध देंगे, एकदम टाइट नोट हमें यहाँ पे लगाना है। 2-3 यहाँ पे गांठें हम लगा देंगे तो एकदम ये सेट हो जाएगा। अब हम इसे सीधी साइड पर पलट लेंगे। सीधी साइड पर पलटने के बाद देखिए इस तरीके से यहाँ पे अब जो दूसरी साइड बचा है तो वहाँ पे देखिए मैंने ली है एक मोटी सुई में मोटा धागा डाल लिया है। और देखिए इसे हमें अंदर की साइड डबल फोल्ड करते हुए और देखिए इस तरीके से हमें स्टिच कर लेना है। यहाँ पे लगभग मैंने 1 इंच जितना फोल्ड किया है, यहाँ पे 1 इंच जितना चौड़ाई हमें रखना हुआ होता है जो फोल्ड वाला हमारा है, क्योंकि यहाँ पे हमें इसमें डोरी डालना है इसलिए। तो इस तरीके से देखिए हम इसे स्टिच कर लेंगे मोटे धागे से, क्योंकि यहाँ पे मजबूती से सिलाई लगाना है। आप चाहें तो मशीन से भी स्टिच कर सकते हैं। इस तरीके से हम पूरे राउंड में स्टिच कर लेंगे। तो देखिए मैंने राउंड में स्टिच कर लिया है। एक जगह पर मैंने थोड़ी सी जगह ओपन छोड़ी है और मोटे धागे को मैंने इस तरीके से 5-6 लेयर का ले लिया है यहाँ पर। और पिन में देखिए इस तरीके से हम इंसर्ट कर लेंगे और इसे हम देखिए इस तरीके से पिन की सहायता से अंदर डाल देंगे ये जो हमारा थ्रेड है। यहाँ पे मैंने 5-6 थ्रेड लिया है ताकि ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो, क्योंकि हमें इसे बांधने के लिए यूज़ करना है। तो देखिए इस तरीके से हम इसके अंदर कर दिए। अब जो भी हमारे पास देखिए फटे पुराने कपड़े हैं उन कपड़ों को हम इसके अंदर इस तरीके से फिल कर देंगे। आपके पास जो भी फटा पुराना कपड़ा है आप उसे यूज़ नहीं करते हैं या फिर आप उसे बाद में यूज़ करना चाहते हैं लेकिन अभी रखने की कोई जगह नहीं है तो भी आप इसमें स्टोर करके रख सकते हैं और किसी को पता भी नहीं चलेगा। इस तरीके से हमें बहुत सारा इसके अंदर कपड़ा भरकर इसे बिल्कुल टाइट कर देना है, लूज़ नहीं रखना है बिल्कुल भी, नहीं तो बैठने पर ये दब जाएगा। तो इस तरीके से हम बहुत सारे कपड़े इसके अंदर देखिए भर दिए हैं। अब हम इसे जो रस्सी हमने यहाँ पर डाली है इसे खींच कर टाइट हमें यहाँ पर बांधना है। तो हम धीरे धीरे इसे फिल करते जाएंगे और इसे इस तरीके से हम ज़ोर से खींचते जाएंगे, अच्छे से सेट कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें देखिए इस तरीके से हम नोट लगा देंगे, गांठ बांध देंगे और गांठ बांध देंगे 2-3 बार। यहाँ पे हमें ज़ोर से नोट लगाना है। उसके बाद जो बचा हुआ हमारा थ्रेड है उसे हमें अंदर की तरफ इस तरीके से फिल कर देना है। तो देखिए ये उल्टी साइड का हो जाएगा और इसे हम सीधी साइड पर पलट लेंगे। तो ये हमारा प्यारा सा फ्लोर पफ तैयार हो गया। इसका यूज़ आप घर में बैठने के लिए एज अ फ्लोर सोफ़ा कर सकते हैं, टेबल की तरह कर सकते हैं, चेयर की तरह कर सकते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगता है फ्रेंड्स। आप इसे घर के किसी भी कोने में रख सकते हैं तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगने वाला है, घर में 4 चांद लगाने वाला है। तो फ्रेंड्स आप भी ये आइडिया ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो फ्रेंड्स आई होप कि आज का ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा यूजफुल लगा होगा। तो प्लीज़ दोस्तों इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।